दोस्तों नमस्कार। फिल्मी सितारों की रंगीन महफिल यानी फिल्मी बातों में आज पेश है दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और हाजिर हूं आज फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार एक बहुत बड़े शख्सियत का नाम है। राजकुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिनके डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग के सीने दर्शक दीवाने थे। जब ये अपनी फिल्मों में पर्दे पर आते थे तो दर्शक इन्हें देख करके उछल जाते थे। इनके हर एक डायलॉग पर दर्शक इतनी तालियां बजाते थे कि सिनेमा हॉल गूंज उठता था। आज इस वीडियो में उसी राजकुमार की चर्चा की जाएगी कि जिनकी चर्चा ये की जाती है कि राजकुमार बेहद अक्खड़ इंसान थे। लेकिन आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री एक अक्खड़ शख्सियत के रूप में देखती थी, उनके सीने में एक ऐसा दिल था जो हमेशा प्यार के लिए धड़कता था। दोस्तों, सबसे पहले बात अभिनेत्री मीना कुमारी की। मीना कुमारी को राजकुमार साहब बेहद प्यार करते थे, चाहे वो फिल्म काजल हो और चाहे फिल्म पाकीजा। पाकीजा में जब इनका सिलेक्शन हुआ तो सेट पर जाते ही मीना कुमारी को देखते हुए इन्होंने मीना कुमारी का हाथ चूम लिया, जिसे देखने के बाद उनके पति कमाल अमरोही बेहद नाराज हुए। दोस्तों कहते हैं कि अभिनेता राजकुमार साहब मीना कुमारी के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए थे कि अक्सर सेट पर उन्हें देखने के बाद अपना डायलॉग भूल जाते थे। ये पूरे यूनिट में ये चर्चा आम हो गई थी और स्वयं मीना कुमारी और यूनिट के लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि अक्सर राजकुमार साहब मीना कुमारी को देखने के बाद फिल्म का डायलॉग भूल जाते थे। दोस्तों कहते हैं कि मीना कुमारी के साथ फिल्म पाकीजा में ट्रेन वाले सीन को करते हुए पहली बार जब राजकुमार ने करीब से मीना कुमारी की पैरों को देखा तो मीना कुमारी की खूबसूरती के मुरीद हो गए। दोस्तों, पाकीजा में राजकुमार की हरकत को देखकर कमाल अमरोही साहब इतने नाराज हुए कि उन्होंने कभी भी अपनी फिल्म में राजकुमार को नहीं रखा। दोस्तों, राजकुमार और मीना कुमारी ने फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई में भी काम किया, लेकिन कहते हैं कि फिल्म काजल उन्होंने मीना के साथ इसलिए की थी क्योंकि इसमें उनके साथ उन्हें रोमांस का खूब मौका मिल रहा था। राजकुमार रोमांटिक हीरो नहीं थे, लेकिन काजल में एक बेहद रोमांटिक गाना इनके ऊपर पिक्चराइज किया गया था। दोस्तों, अब बात एक मशहूर अभिनेत्री और राजकुमार के रिश्ते की। दोस्तों, राजकुमार 70 के दशक में एक बड़े स्टार बन चुके थे। धर्मेंद्र के भी उस दौर में खूब चर्चे थे। वहीं हेमा मालिनी अपने करियर की शुरुआत करने की दौर में थीं। उन्हें फिल्मों में अपनी पहचान बनाना था। बताया जाता है कि राजकुमार हेमा मालिनी को देखते ही फिदा हो गए थे। वो मन ही मन उनसे प्यार करने लगे थे, लेकिन इस इश्क की भनक हेमा मालिनी को भी नहीं थी। दोस्तों, राजकुमार ने हेमा मालिनी के प्रति अपने प्रेम के चलते उन्हें फिल्म लाल पत्थर भी दिलवाई। इस फिल्म में
पहले बैजंती माला को लेने की बात चल रही थी, लेकिन जब राजकुमार ने मेकर्स के सामने फिल्म में हेमा मालिनी को लेने की मांग रखी तो हर कोई हैरान था। हैरानी होना वाजिब था, क्योंकि उस वक्त बैजंती माला टॉप हीरोइन में शुमार थीं और हेमा मालिनी इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रही थीं। दोस्तों कहते हैं कि राजकुमार ने हेमा मालिनी को प्रपोज भी किया था, लेकिन बात कुछ ऐसी हुई और हालात कुछ ऐसे बने कि राजकुमार की यह हसरत पूरी न हो सकी और राजकुमार तन्हा ही रह गए। तो दोस्तों ये थी चर्चा इन दोनों अभिनेत्रियों के बारे में, जिन दोनों अभिनेत्रियों को राजकुमार बेहद प्यार करते थे लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा इसी चैनल पर संजीव कुमार, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, गोविंदा, जीनत अमान, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र, देवानंद और राजकुमार के फिल्मी करियर पर आधारित सीरीज मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को, जल्दी ही हम हाजिर होंगे अपने किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।